तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में। इस स्कीम को डिस्कस करने का पीछे का रीज़न ये है कि 7 दिसंबर को PIB में एक आर्टिकल आया था, वेजेस ऑफ खादी आर्टिजन्स। उस आर्टिकल में थोड़ा बहुत इस स्कीम के बारे में मेंशन हुआ था, तो इस हिसाब से हमारे लिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्कीम की बात करें तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इस स्कीम के ऑलरेडी 2 सब कंपोनेंट है, ठीक है। ओवरऑल इस स्कीम के बारे में बात किया तो 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टेन्योर की बात करें 21-22 से लेकर 25-26 तक इसका टेन्योर है। नोडल मिनिस्ट्री MSME और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी KVIC है। ओवरऑल फाइनेंशियल एलोकेशन की बात की जाए तो वैसे ओवरऑल फाइनेंशियल एलोकेशन लगभग 6769.78 करोड़ का, जिसको लगभग लगभग हम लोग 6770 करोड़ में देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से खादी विकास योजना जो इसका पहला कंपोनेंट है उसको लगभग 2600 करोड़ पर दिया जाएगा और ग्रामोद्योग विकास योजना के अंडर लगभग 1400 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल एलोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रामोद्योग विकास योजना को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है एक सेपरेट वीडियो में। आप MSME के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये इस स्कीम पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल जो रेस्ट अमाउंट है ना, लगभग 2800 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में खर्च होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि 18 से 55 साल के बीच में है वो एलिजिबल है, लेकिन एक फैमिली से एक पर्सन को ही एलिजिबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ओवरऑल प्रेफरेंस जो है वो वुमेन, SC ST, अनएम्प्लॉयड यूथ और BPF फैमिली को प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने जो भी इसको फैसिलिटी इस स्कीम के अंडर मिल रहा है, अगर किसी और स्कीम के अंडर उसको फैसिलिटी उसने ऑलरेडी अवेल कर लिया है तो फिर ये इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ये स्कीम कब आया था? ये स्कीम आया था 2019 में, ओके। अब देखो इस स्कीम कंपोनेंट की बात करें तो खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना। ग्रामोद्योग विकास योजना को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, सो इस स्कीम में हम लोग डिस्कस करेंगे खादी विकास योजना के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें खादी विकास योजना के बारे में, तो इसका भी टेन्योर सेम है, 21-22 से लेकर 25-26। ये बात याद रखिएगा कि 2022 में ना कुछ चीज़ें रिवाइज की गई थी स्कीम में, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एडिशनल गाइडलाइन ऐड किया था। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस स्कीम का, खादी विकास योजना से? वैसे आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव? देखो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, वेजेस इंक्रीज करना खादी आर्टिसंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्रोडक्शन और सेल्स को इंक्रीज़ करना, एक्सपोर्ट के लिए हेल्प प्रोवाइड करना, मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना और एक तरह से रिनोवेट और मॉडर्नाइज करना सेल्स आउटलेट को। बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव खादी विकास योजना के ये हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कई तरह के सब कंपोनेंट हैं इस स्कीम के अंदर। पहले सब कंपोनेंट की बात करें तो वह है मॉडिफाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, ठीक है। मॉडिफाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, बेसिक एम क्या है इस असिस्टेंस का? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, मॉडर्नाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, इंगेजिंग एक्सटर्नल मार्केटिंग कंसल्टेंट, एक तरह से मार्केटिंग कंसल्टेंट को इंगेज करना ताकि मार्केटिंग एक्सेस प्रोवाइड किया सके, ठीक है। और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग करना आर्टिसंस की या फिर कार्यकर्ताज की। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें इस सब स्कीम के अंडर, तो जो खादी, कॉटन, मुस्लिन, वोलन या फिर पोली वस्त्र से रिलेटेड है ना, उसको 35% तक का इंसेंटिव दिया जाएगा ऑन प्राइम कॉस्ट। अभी प्राइम कॉस्ट क्या होता है? मतलब जो भी आपका कॉस्ट रॉ मटेरियल में आ रहा है या फिर प्रोसेसिंग चार्ज में आ रहा है या फिर कन्वर्जन चार्ज में आ रहा है ना, जितना आपका कॉस्ट आ रहा है इन सारे चीज़ों में, उसका 35% तक का इंसेंटिव आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी या फिर MSME प्रोवाइड करेगी अगर आपका खादी जो है वो कॉटन, मुस्लिन, वोलन या पोली वस्त्र से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपका खादी जो है सिल्क है, ठीक है, तो इंसेंटिव आपको 35% ना मिलके 20% मिलेगा ऑन प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया फाइनेंशियल असिस्टेंस। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस ओवरऑल जो प्रोवाइड किया जा रहा है ना मॉडिफाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में भी डिवाइड होगा। अगर हम बात करें खादी इंस्टीट्यूशंस का, तो 51% ऑफ द फंड अंडर मॉडिफाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, 51% ऑफ फंड जो है ना वो खादी इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, अगर कोई खादी इंस्टीट्यूशन प्रोडक्शन और सेलिंग दोनों का काम कर रही है ना, तो ओवरऑल तो उसको 51% मिलेगा। लेकिन अगर इन केस अगर कोई खादी इंस्टीट्यूशन, कोई अलग खादी इंस्टीट्यूशन प्रोडक्शन काम कर रही है और सेलिंग का काम कोई दूसरा खादी इंस्टीट्यूशन कर रहा है, तो प्रोडक्शन के केस में 34% इंसेंटिव है और सेलिंग के केस में 17% इंसेंटिव है। अगर दोनों काम एक ही इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो ओवरऑल तो उसको 51% मिलेगा। देखिए अगर डिफरेंट डिफरेंट कर रहा है, प्रोडक्शन कोई और इंस्टीट्यूशन कर रहा है, सेलिंग कोई और कर रहा है, तो फिर जो इंसेंटिव का
लेवल है वो 34% और 17% है, लेकिन इन केस ऑफ खादी जो कि सिल्क है तो फिर ओवरऑल जो इसमें डिस्पर्समेंट होगा 60% जो डिस्पर्समेंट होगा वो खादी इंस्टीट्यूशन को जाएगा, फिर 40% प्रोडक्शन और 20% सेलिंग। अगर खादी इंस्टीट्यूशन दोनों कर रहा है तो ओवरऑल 60% मिलेगा, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट कर रहा है, प्रोडक्शन कोई और कर रहा है सेलिंग कोई और कर रहा है, तो 40% 20% के हिसाब से उसको मिलेगा। तो ये तो बात हो गई थी हमारे खादी इंस्टीट्यूशन की। इन केस ऑफ खादी आर्टिसंस तो 35% ऑफ द शेयर जो है वो खादी आर्टिसंस को जाएगा। देखो तो खादी आर्टिसन मतलब जो स्पिनर्स और वीवर्स का काम कर रहे हैं ना वो आर्टिसंस के अंदर आते हैं। 35% ऑफ द इंसेंटिव जो है इसके मॉडिफाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस का 35% ऑफ द इंसेंटिव जो है वो खादी आर्टिसंस को जाएगा। इन केस अगर खादी जो है सिल्क से रिलेटेड है तो 30% खादी आर्टिसंस को जाएगा, 60% हमारा खादी इंस्टीट्यूशन को जाएगा और 30% खादी आर्टिसंस को जाएगा, और रेस्ट जो है ना वो कार्यकर्ताज को जाएगा। कार्यकर्ताज मतलब जो प्रोडक्शन और सेल्स एक्टिविटी में इंगेज हो उनको 14% ऑफ द उनको डिसबर्समेंट दिया जाएगा कार्यकर्ताज को, ठीक है। इन केस अगर वो जो खादी है वो सिल्क से रिलेटेड है सो 10% जो है वो डिसबर्समेंट कार्यकर्ता को दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि सिल्क के केस में ना जो पर क्वार्टर है 10,000 रुपये का सेलिंग लगाया गया है इन केस ऑफ कार्यकर्ता, इन केस ऑफ सिल्क। अगर सिल्क खादी है तो जो मैक्सिमम सेलिंग है ना कार्यकर्ता के लिए वो है 10,000 रुपये पर क्वार्टर पर इंडिविजुअल कार्यकर्ता, ठीक है। सेलिंग हमारा सिल्क के अलावा कोई और खादी हो गया जैसे कॉटन हो गया तो उसके लिए सेलिंग नहीं है, सेलिंग सिर्फ सिल्क के लिए है, ठीक है। सिल्क केस में 10,000 रुपये पर क्वार्टर का सेलिंग लगाया गया है। तो हमने एक सब स्कीम डिस्कस कर लिया मॉडिफाइड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। दूसरे सब स्कीम की बात करें, दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन स्कीम। ये बात याद रखिएगा कि इंटरेस्ट सब्सिडी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ खादी इंस्टीट्यूशंस को ही मिल रहा है, आर्टिजन्स या फिर कार्यकर्ता को इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। अब इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा कितना, तो देखो अगर कोई खादी इंस्टीट्यूशन बैंक से लोन ले रहा है और तो मैक्सिमम जो है ना जो खादी इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 4%। मान लो कोई बैंक जो है 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो 4% खादी इंस्टीट्यूशन देगा और रेस्ट जो 3% है वो हमारा KVIC देगा, ठीक है, जो कि स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। समझ में आया, इंटरेस्ट सब्सिडी 4% मैक्सिमम, खादी इंस्टीट्यूशन को 4% इंटरेस्ट देना है, बाकी बैंक जितना भी ऊपर चार्ज कर रहा है जाके बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट है ना वो आपके KVIC प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें दूसरा भी कंपोनेंट देख लिया। तीसरा कंपोनेंट की बात करें तो तीसरा कंपोनेंट है वर्क शेड स्कीम फॉर खादी आर्टिसंस। एक तरह से वर्क प्लेस के क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। अब वर्क शेड स्कीम की बात करें तो ये 2008 और 2009 से ही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्कीम में अभी अभी आया, नहीं, 2008-09 से ही गवर्नमेंट का फोकस है कि एक तरह से क्वालिटी प्लेस प्रोवाइड करना, वर्क प्लेस प्रोवाइड करना खादी आर्टिसंस को। अब देखिए उसमें असिस्टेंस कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इनके सब इंडिविजुअल वर्कशीट, इसमें टॉयलेट फैसिलिटी भी है, ठीक है, टॉयलेट के साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिविजुअल वर्कशीट के लिए ना तकरीबन 1,20,000 रुपये तक का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जितना कॉस्ट आया है वर्कशीट बनाने में, इंडिविजुअल वर्कशीट बनाने में उसका 75% कॉस्ट जो है वो पे किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, या तो 1,20,000 रुपये या फिर 75%, दोनों में से जो कम होगा, ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन 90% ऑफ द असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, या तो 1,20,000 रुपये या फिर 90%, दोनों में से जो कम है, ठीक है। और एरिया जो होगा ना पर वर्कशीट का वो होगा 20 मीटर स्क्वायर। ये तो बात कर लिया हमने इंडिविजुअल वर्कशीट, लेकिन इनके साथ ग्रुप वर्कशीट जिसमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 आर्टिजन्स काम करेंगे, तो उसके लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो 80,000 पर आर्टिजन है, या फिर जितना कॉस्ट है उसका 75% गवर्नमेंट पे करेगी, दोनों में से जो कम है। नॉर्थ ईस्ट के इसमें 90%, इसमें एरिया पर यूनिट जो है वो 10 मीटर स्क्वायर पर आर्टिजन है। हमने बताया था कि इंडिविजुअल वर्कशीट में कितना एरिया था, 20, इसका जस्ट हाफ कर दिया है, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर पर आर्टिसंस, ठीक है। तो हमने वर्कशीट स्कीम देख लिया, हमने वर्कशीट स्कीम देख लिया। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, देखो नेक्स्ट कंपोनेंट ना गवर्नमेंट जो है जो कुछ वीक खादी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई खादी इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी वीक है, कोई मतलब कई सारे चैलेंजेस से वो गुजर रही है, तो उसको जो है वो 15 लाख पर खादी इंस्टीट्यूशन, 15 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा पर खादी इंस्टीट्यूशन, ताकि वो जो है एक नॉर्मल कंडीशन में आ सके,
ठीक है, वीक से थोड़ा वो अपने अपने पोजीशन को वो रिगेन कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 15 लाख तक का असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी टू खाटी इंस्टीट्यूशन, ताकि वो नॉर्मलसी में आ सके। और साथ ही में हमने ऊपर एक ऑब्जेक्टिव बात किया था, एक ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिक जो है गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सेल्स आउटलेट है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए। सो इस कंपोनेंट के जरिए 25 लाख रुपये पर सेल आउटलेट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो खादी इंस्टीट्यूशन के जो आउटलेट है उनका रिनोवेशन हो सके, उनको अपग्रेड किया जा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट सब कंपोनेंट की बात करें तो एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट जो है वो खादी के लिए स्टेब्लिश करेगी, और ये जो होगा वो NIFT के एसोसिएशन के साथ होगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्टेब्लिश करेगी इस स्कीम के अंडर। लास्ट कंपोनेंट की बात करें तो लास्ट कंपोनेंट खादी क्वालिटी अश्योरेंस मार्केटिंग प्रमोशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम। इसके बारे में ज़्यादा कुछ स्कीम के डॉक्यूमेंट में मेंशन मुझे दिखा नहीं था, अगर कुछ अपडेट आता तो मैं इसमें कमेंट में आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, सो ओवरऑल ये स्कीम थोड़ा इंपॉर्टेंट था, एक दो बार आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।